ये मेरी दिन की सेकेंड मील होने वाली है, विच इज़ 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। यूजुअली आपने देखा होगा पिछले एक दो वीडियोस में कि मेरी मील डिवाइडेड होती है, लाइक 40 ग्राम्स ओट्स इन द फर्स्ट मील एंड 40 ग्राम्स ओट्स इन द सेकेंड मील विथ 5 whole eggs। बट मैंने आज लेट उठा था बिकॉज कुछ भी बोलो, आई वॉज टायर्ड और जो बोलना है बोलो। सो मैंने सबसे पहली मील अपनी 11 o'clock को खाई थी, विच वॉज 5 whole eggs कुक्ड इन 2.5 grams ऑफ बटर। एंड ये जो मैंने मील कंबाइन की है, आई डोंट थिंक सो उससे उतना फ़र्क पड़ना चाहिए, बिकॉज जब तक मैं अपने मैक्रोस हिट कर रहा हूँ, आई डोंट फील लाइक आई हैव टू वरी एनी मोर। एंड कंसिडरिंग कि आज मैं जिम थोड़ा सा लेट जाऊँगा, ये एक प्रॉपर ठीक ठाक मील है जो मुझे बाकी के दिन के लिए फुल रखेगी। सो मेरी भी यही टिप होगी ड्यूरिंग अ फैट लॉस जर्नी, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं है, सेव द कैलोरीज फॉर लेटर, जब आपको भूख लगेगी तब खा लेना, क्योंकि आई अश्योर यू कि फैट लॉस जर्नी में भूख लगेगी। क्योंकि देख लो सुबह से ये मेरा पहला कार्ब मील है, क्योंकि एग्स में तो कार्ब्स होते नहीं हैं, सो एग्स में फैट होता है, इसलिए मैं बहुत देर तक भूखा नहीं था। एंड या सो ये टाइप के ओट्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, जो नॉर्मल क्वेकर के वाइट ओट्स होते हैं वो मिक्सड विद चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन, बिकॉज जो ओट्स होते हैं उसका एकदम ड्राई फ्लेवर आता है एंड प्रोटीन का थोड़ा सा मीठा और चॉकलेट वाला टेक्सचर आता है। सो जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तब वो थोड़ा सा और अजीब लगता है, बट आजकल जब से मैं ये 2-3 दिन से खा रहा हूँ, आई फील लाइक अच्छा ही लग रहा है। सो तो ये चिकन मैं आज नॉर्मल बुचर के बजाय रिलायंस स्मार्ट से लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं नॉर्मल बुचर से मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे, सो आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई डिफरेंट प्लेस जहाँ पे वो ब्रॉयलर चिकन जो भी होता है वो ना मिलता हो। एंड आई थिंक ये चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर और स्मूथ है अंदर से, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई दिस चिकन फॉर मे बी 2-3 weeks एंड सी द रिएक्शन ऑफ द पिम्पल्स। इफ़ इट कंटिन्यूज आई हैव नो अदर ऑप्शन, डर्मेटोलॉजिस्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो yeah, let's enjoy this meal and then let's head to the gym for chest day.
जस्ट एक अच्छा सा स्टडी सेशन ख़त्म हुआ है एंड सो मैं ये क्लिप लिटरली पाँचवें या छठे बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मेरी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो रही किसी में, पता नहीं रिकॉर्डिंग पॉज हो गई या क्या हो गई, बट अभी अराउंड 1:30 हो चुका है एंड मैंने अपना एक रेगुलेशंस का अच्छा स्टडी सेशन रैपअप किया है जिसमें मैंने आज का लेटेस्ट होमवर्क और पुराना थोड़ा सा रिवाइज किया था. सो मेरी एग्ज़ाम की अटैम्प्ट ऑलमोस्ट दिसंबर में है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 months फार. सो थोड़ा सा अभी टाइम है कि फाइनली आई हैव टू लॉक इन एंड स्टडी हार्ड. सो मेरी एक बहुत घटिया सी आदत रही है स्टार्टिंग से, हमेशा से, कि मैं पूरे साल तक उतनी पढ़ाई नहीं करता बट एंड में मैं बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के पढ़ाई करता हूँ जस्ट टू स्कोर इनफ कि भाई अच्छा खासा आ गया ठीक ठाक, दैट नाम डूबे ना. एंड मैं कोई बचपन से कभी टॉपर नहीं था, कभी मैं 98-97 ऐसा नहीं लाता था. द मैक्स आई वुड हैव टच एंड वुड बी 92-93, वो भी एकदम स्टार्टिंग स्टैंडर्ड्स में, एंड बाकी वही एवरेज स्टूडेंट 75-85 के आसपास. एंड अभी मेरी एग्ज़ाम दिसंबर में अटैम्प्ट होने वाली है, अभी एक सेप्टेम्बर में अटैम्प्ट है, बट टू अपियर फॉर द एग्ज़ाम यू नीड अ स्पेसिफाइड थिंग कॉल्ड कंप्यूटर नंबर, जो 10th और 12th में हॉल टिकट टाइप का होता है ना, वो आपको इधर कंप्यूटर नंबर होता है. सो कल पूरा दिन मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स भर के फाइनली उसके लिए अप्लाई किया है एंड आई एम होपिंग कि वो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि सेप्टेम्बर का अटैम्प्ट के रजिस्ट्रेशन सो आई एम डैम श्योर कि फुल हो चुके होंगे एंड आई के नॉट अपियर फॉर दैट. सो दिसंबर का अटैम्प्ट है, वी हैव टू फाइनली स्टार्ट स्टडिंग हार्ड एंड लॉक इन आई मस्ट से, ताकि बस 70 के ऊपर आ जाए, क्योंकि 70 एंड अबव में पास है एंड इवन इफ आई स्कोर 68 और 66 आई विल फेल. एंड जो 66 या 68 ला के बंदा फेल होगा उसको सोचो कितना बुरा लगेगा कि बस 2 questions से मेरा अटैम्प्ट वेस्ट हो गया एंड आई हैव टू अपियर फॉर इट अगेन. सो यही प्लान होने वाला है, इसीलिए मैंने अपने जिम के टाइमिंग्स भी चेंज किए हैं, लाइक सुबह से रात को करने का, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मेरे को सुबह उठ के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आती है बट मुझे आती है बट मुझे उतना कुछ सुबह को काम करने का मन नहीं करता, आई डोंट नो, वो स्टार्टिंग से ही वैसा है. सो जो सूट करता है अभी के लिए उसके लिए बेटर है कि जाना, रादर देन मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करूँ एंड आई एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम. सो अभी के लिए जो फिट बैठता है वही करना चाहिए एंड रात को रिकॉर्ड करना हार्ड होगा, हार्ड है, मैंने आज किया मुझे पता है, ऑकवर्ड होता है, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, बट द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू लर्न इन दिस वर्ल्ड इज़ हाउ टू नॉट केयर एंड हाउ टू नॉट गिव अ सिंगल यू नो द वर्ड. सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, दिल से अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए.